So we'll start the lecture number 5, part 2. Lecture number 5, part 2. In this lecture, we'll practice. We'll practice how to make sentences, how to speak the sentences, how to say the sentences. अब इस सेशन में हमको प्रैक्टिस करनी है और हम कोशिश करेंगे जो चार्ट आपके सामने हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं. हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस एंड हाउ टू स्पीक द सेंटेंसेस. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी वर्ब के बारे में पढ़ा था और साथ साथ में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी पढ़ा था. सो इस सेशन में बी वर्ब को लेकर और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर हम सेंटेंसेस बनाएंगे. विल प्रैक्टिस और इसी पे हम कोशिश करेंगे. सो आर यू रेडी? जस्ट सी दिस चार्ट. आर यू रेडी अगेन? जस्ट सी द चार्ट. एंड यू हैव टू सी द चार्ट. वी हैव टू स्पीक. वी हैव टू सी. जस्ट सी द चार्ट प्रॉपरली. वी हैव टू स्पीक सीइंग द चार्ट. नाउ ऑन दिस चार्ट, ओके, इस चार्ट पर टू पीपल आर टॉकिंग. दो लोग बात कर रहे हैं, मिस्टर राज एंड मिस्टर अजहर. और जो बात हो रही है वो किस पर हो रही है? एक दूसरे को नाम बता रहे हैं, अपना खुद का नाम, सामने वाले का नाम और तीसरे पर्सन का नाम बता रहे हैं. अपना खुद का नाम, सामने वाले का नाम और तीसरे पर्सन या तीसरे फीमेल या मेल का नाम बता रहे हैं. और साथ साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोल रहे हैं. नाम हाँ में भी बोल रहे हैं और ना में भी बोल रहे हैं. तो ये चार्ट को देखकर हमको प्रैक्टिस करनी है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आप इस चार्ट को देखो, थोड़ा हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से बात हो रही है. मिस्टर राज से शुरू करते हैं. ओके, विल स्टार्ट विद मिस्टर राज. अब मिस्टर राज जो है, व्हाट इज सेइंग? मैं मिस्टर राज हूं, तुम अजहर. मैं मिस्टर राज हूं, तुम अजहर हो. हम राज और अजहर हैं. ये रानी है या वो रानी है. ये सैफ है या वो सैफ है. और वो रवि और लीना है या ये रवि और लीना है. करेक्ट. अब मिस्टर अजहर की तरफ चलते हैं. मिस्टर अजहर, मैं मिस्टर अजहर हूँ. तुम मिस्टर राज हो. तुम मिस्टर राज हो. हम मिस्टर अजहर और राज हैं. वो नाज है या ए नाज है. वो जय है या ए जय है. वे लोग जूली और निक्सन है या ए लोग जूलिया निक्सन है. अब इसी को थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं. ओके, मैं राज हूं. आई एम राज. मैं राज हूं. आई एम राज. तुम अजहर हो. यू आर अजहर. हम राज और अजहर हैं. वी आर राज एंड अजहर. वो रानी है. शी इज रानी. वो सैफ है. He is safe. He is safe. वो दोनों, वो रवि और लीना है. They are रवि and लीना. अब अजहर की तरफ चलते हैं. मैं अजहर हूँ. I am अजहर. तुम राज हो. You are Raj. हम अजहर और राज हैं. We are अजहर and Raj. वो नाज है
या ये नाज है, she is नाज, she is नाज, वो जय है, या ये जय है, he is जय, he is जय, वो जूली और निक्सन है, या ये जूली और निक्सन है, तो they are जूली and निक्सन, they are जूली and निक्सन, तो हमने इसमें पढ़ा किस तरह से be verb sentences बोले जाते हैं, किस तरह से is, am, are का यूज होता है, और किस तरह से first person, second person और third person के साथ यूज किए जाते हैं। अब एक बार थोड़ा हम लोग first person, second person और third person का review ले लेते हैं, ताकि आपको ये बात करना easy हो जाएगा। एक chart की तरफ चलते हैं, जिससे हमको easily पता चलेगा कि किस तरह से I के साथ में am, you के साथ में are, he के साथ में she, he के साथ में is, she के साथ में is का use होता है। और जो sentences हम बोल रहे हैं, वो be verb sentences हैं, present tense में है, और उसमें is, am, are का use होता है। तो चलिए फिर थोड़ा सा explanation देख लेते हैं। ये be verb non-action sentences की बात हो रही है। We are practicing be verb non-action sentences and in present tense. And what we are using? We are using is, am, and is, am, are. Now, let's see. First person, second person, and third person. हमको अच्छी तरह मालूम है. First person singular, male, female. Second person singular, male, female. Third person singular, male, female. First person plural, male, female. For second person plural, male, female. And third person plural, male, female. अब कौन से words first person को denote करते, कौन से word second person को denote करते, वो भी मैं last lecture में already हम पढ़ चुके हैं. We have already studied those words. Okay? So just remind those words. Just remind, just again just take those words in mind. Okay? And try to go back and try to recover those words. Okay? Let's see now again. So those words are I, we, you, you all, he, she, it. These are the words. Our words are used with be verb now. These words are used paired with be verb. Paired किसके साथ में इनका? Be verb के साथ में pair लगा हुआ है. तो I के साथ में am, you, we के साथ में are, you के साथ में are, you all के साथ में are, he के साथ में is, she के साथ में is, it के साथ में is, they के साथ में are. ये pair. और जब हम question करना चाहते हैं, we want to ask questions. Sometimes we say something in positive, sometimes we say something in negative, and sometimes we want to ask questions. और हमने last time पढ़ा था कि there are two types of questions. दो type के questions हैं. Question to confirm and question to know. Question to confirm and question to know. Means know means blindly. हम blind हैं. हम कुछ नहीं जानते कि किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्टली हमको पता करने की ये कौन है, ये क्या है, वो कौन है, वो क्या है. बट सेकंड क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम कंफर्म करते हैं, हमको ऑलरेडी पता होता है कि ये चीज शायद ये है, शायद मिस्टर राज है, हम लोग पूछते हैं क्या ये मिस्टर राज है, क्या ये मिस्टर सलमान है, तो कंफर्म करने के लिए क्वेश्चंस करते हैं. और जब कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है और सेंटेंसेस अगर बी वर्ब में है तो उसको be verb questions कहते हैं. These are called be verb question. Simple है इसका rule. आपको first place पे be verb को रखना है और second place पे subject या person को रखना है. Second place पे आपको subject या person को. जैसे हमने positive में या negative में I am not, we are not, you are not, he is not, she is not, it is not. और they are not ये sentences दे. इस तरह से positive और negative में ये sentences बनते. लेकिन अगर उसका question sentence बनाया जाए तो कैसे बन रहा है? पहले place पे be verb आएगा. Am I, are we, are you, is he, is she, is it, are they. अब जो last chart हमने जो देखा था, जिसमें राज बात करते, जिसमें मिस्टर अजहर बात करते हैं, उस चार्ट को थोड़ा रिकवर कर लेते हैं
और किस तरह से वही सेंटेंसेस ये स्टार्ट करके हम बात करते हैं. आई एम अजर या आई एम राज. आई एम राज. आई एम नॉट अजर. राज अगर बात कर रहे हैं, इफ राज इज स्पीकिंग, राज इज टॉकिंग, तो हाउ ही विल स्पीक, हाउ विल ही से हिज नेम, और हाउ विल ही आस्क नेम्स ऑफ अदर पर्सन, और हाउ विल ही से नेम्स ऑफ अदर पर्सन. सो राज, एकदम कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग, वी आर कंसिडरिंग राज हियर. हम राज को एज्यूम कर रहे हैं. आई एम राज. आई एम राज. आई एम नॉट अजर. आई एम नॉट अजर. करेक्ट. वी आर राज एंड अजर. वी आर राज एंड अजर. वी आर नॉट सैफ एंड रवि. वी आर नॉट सैफ एंड रवि. यू आर अजर. यू आर अजर. यू आर नॉट अजर. सॉरी, यू आर अजर. यू आर नॉट राज. यू आर नॉट राज. करेक्ट. यहां पे आ जाते. ही इज सैफ. ही इज सैफ. ही इज नॉट निक्सन. He is safe. He is not Nixon. He is not Jay. He is safe. He is not Nixon. He is not Jay. She is Lena. She is Lena. Correct. She is Lena. She is not Rani. She is not Rani. फिर it को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं. They are safe and Rani. They are सैफ and Rani. इस तरह से हम लोगों ने sentences उस चार्ट पे देखे. अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मिस्टर राज इज आस्किंग क्वेश्चन टू कन्फर्म. लाइक ही वॉन्ट टू. यहाँ पे कन्फर्मेशन ये है कि वो खुद को कन्फर्म करना चाहते हैं सामने वाले के जरिए. जैसे वो खुद को कन्फर्म कराना चाहते हैं कि सामने वाला उनको जानता है या नहीं, उनको पहचानता है या नहीं. He knows him or not. He says, am I Raj? Am I Raj? Oh, correct. I am Raj. What he says? Am I Raj? He says, yes, tum Raj. You are Raj. He says, correct. I am Raj. Ab, wo confirm karna chahta dono ke bare mein. Are we Raj and Azir? Are we Raj and Azir? Samne wala kaisa, samne wala answer karta hai. Yes, you are Raj and Azir. Good. So, are we Raj and Azir? But normally jo sentences sabse zyada use karte the, वो है आर यू अजर. आर यू अजर. सामने वाला आंसर कर देता है यस आई एम अजर. यस आई एम अजर. ठीक है. और उसके बाद नीचे आते हैं. इज शी नास. यस शी इज नास. यस शी इज नास. या फिर नेगेटिव में शी इज नॉट लीना. शी इज नॉट. Is he safe? Yes, he is safe. Yes, he is safe. It को छोड़ देते. Are they Nixon and safe? या Are they Julian Nixon? Yes, they are Julian Nixon. तो आपको समझ में आया किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाए. पॉजिटिव भी में बताया हमने. हमने पॉजिटिव में भी सेंटेंसेस बनाए, हमने नेगेटिव में भी सेंटेंसेस बनाए, हमने क्वेश्चन भी किया. आपको अब इस पर प्रैक्टिस करनी है. उस चार्ट को फिर से देखना है, फिर से प्रैक्टिस करते. एक बार वो सारे सेंटेंसेस हमने आपके लिए बनाए. वी हैव रिटन ऑल दोज सेंटेंसेस ऑन थर्ड चार्ट. यू कैन गो थ्रू दोज सेंटेंसेस, देन अगेन यू कम बैक टू द चार्ट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द चार्ट. यू कैन कम बैक टू द चार्ट. फर्स्ट यू सी थर्ड चार्ट. हम लोग पहले थर्ड चार्ट देख लेते. Now this is the third chart. All the sentences are covered here. जैसे अजर का ग्रुप, अजर के सेंटेंसेस, सॉरी राज के सेंटेंसेस इस तरफ है, अजर के सेंटेंसेस इस तरफ है. बाद में आपको फिर से रिकवर करना है चार्ट को और उस पर प्रैक्टिस करनी है. तो हमने पहले कहा था कि आई एम राज, यू आर अजर, वी आर राज एंड अजर, शी इज रानी, ही इज सैफ, दे आर रवि एंड लीना, आई एम नॉट अजर, You are not Raj. Now Raj बात कर रहे तो कह रहे I am not Azhar. You are not Raj.
You are not Saif and Ravi. She is not Naz. He is not Jay. They are not Julie and Nixon. यहाँ पे question. Am I Raj? Am I Raj? Answer आएगा Yes, I am Raj. Yes, you are Raj. Am I Raj? Yes, you are Raj. फिर question है Am I Azhar? तो answer आएगा No. You are not Azhar. You are not Azhar. फिर second question है Are you Azhar? Answer होगा Yes, I am Azhar. Are you Azhar? Yes, I am Azhar. Are you Raj? Azhar answer करेंगे No, I am not Raj. I am not Raj. Are we Raj and Azhar? Yes. We are Raj and Azhar. Are we Saif and Ravi? No, we are not Saif and Ravi. Is she Rani? Yes, she is Rani. Is she Rani? Yes, she is Rani. Yeah, is she Naz? So yes, she is Naz. She is, sorry, is she Naz? No, she is not Naz. She is not Naz. Is he Saif? Is he Saif? Yes, he is Saif. Is he Jay? No, he is not Jay. He is not Jay. Are they Ravi and Leena? Are they Ravi and Leena? Yes, they are Ravi and Leena. Are they Julie and Nixon? No, they are not Julie and Nixon. अब हम अज़र की तरफ चलते हैं. अज़र, how Azhar is speaking, how Azhar is talking. Now Azhar says, I am Azhar, you are Raj, we are Azhar and Raj, she is Naz, he is Jay, they are Julie and Nixon, they are Julie and Nixon. Negative. I am not Raj. क्यों? I am Azhar. I am not Raj. You are not Azhar. We are not Jay and Nixon. We are not Jay and Nixon. She is not Rani. She is not Rani. He is not Saif. He is not Saif. They are not Ravi and Leena. They are not Ravi and Leena. Am I Azhar? Question. अब आप क्वेश्चन पे अज़र कह अज़र इज़ टॉकिंग तो अज़र इज़ आस्किंग फॉर हिमसेल्फ एम आई अज़र टू कन्फर्म एम आई अज़र डू यू नो मी एम आई अज़र डू यू नो मी एम आई अज़र आंसर करता है सामने राज मिस्टर राज आंसर करते हैं यस यू आर अज़र यस यू आर अज़र एम आई राज नो आई यू आर नॉट राज एम आई राज यू आर नॉट राज फिर अज़र क्वेश्चन करते हैं मिस्टर राज को Are you Raj? Are you Raj? Raj answer करते Yes, I am Raj. Yes, I am Raj. Then, are you Azhar? Yes, I am Azhar. Azhar question कर रहे हैं फिर से Raj को Are you Azhar? तो Raj कहते हैं No, I am not Azhar. I am not Azhar. यहाँ पे फिर चलते हैं Are we Azhar and Raj? Are we Azhar and Raj? Yes, we are Azhar and Raj. Yeah. Are we Jay and Nixon? Are we Jay and Nixon? No, we are not Jay and Nixon. Phir, is he Jay? Is he Jay? Yes, he is Jay. He is Jay. Is he Saif? No, he is not Saif. Are they Julie and Nixon? Are they Julie and Nixon? Yes, they are Julie and Nixon. Are they Ravi and Leena? No, they are not Ravi and Leena. तो इस तरह से ये sentences हैं आपके सामने आप ये chart हैं आप sentences को आप देखेंगे तो six sentences each block में six sentences each block में है total हमारे पास आराम कितने blocks हैं six blocks 36 sentences हैं जहाँ पे यहाँ पे double sentences हैं तो eight blocks हो गए तो आराम 42 sentences हमने पढ़े, 42 sentences हमने practice की, we have practiced for 42 sentences. If you just little bit careful and try to grab the things properly in mind, the language will become easy for you. आपके लिए language क्या हो जाएगी? Easy हो जाएगी.
थोड़ा गौर करके किसका पेयर किसके साथ में किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है. यू प्रैक्टिस एट होम देन लैंग्वेज विल बिकम इजी यू कैन स्पीक दोस सेंटेंसेस. फिर भी फॉर प्रैक्टिस विल गो बैक टू द चार्ट अगेन. ठीक है अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें. मैं आपको क्वेश्चन करता हूं. पहला क्वेश्चन राज की तरफ से. मैं राज हूं. आंसर दो. मैं राज हूं से. मैं राज हूं. आई एम राज. आई एम राज. सेकेंड क्वेश्चन. यू तुम आजर हो. तुम आजर हो. तुम आजर हो. यू आर आजर. यू आर आजर. वो रानी है. वो रानी है. शी इज रानी. शी इज रानी. वो सैफ है. वो सैफ है. ही इज सैफ. ही इज सैफ. वो रवि और लीना है. वो रवि और लीना है. दे आर रवि एंड लीना. दे आर रवि एंड लीना. अब हम अजर की तरफ चलते हैं. उस पर प्रैक्टिस करते हैं. मैं पॉज कर रहा हूं. आपको स्पीच में सेंटेंस बोलना है. मैं अजहर हूं. मैं अजहर हूं. मैं अजहर हूं. मैं अजहर हूं. आई एम अजहर. आई एम अजहर. तुम राज हो. तुम राज हो. तुम राज हो. यू आर राज. यू आर राज. ओ नाज है. ओ नाज है. शी इज नाज. शी इज नाज. ओ जय है. ओ जय है. He is Jay. He is Jay. वो जूली और निक्सन है. वो जूली और निक्सन है. वो जूली और निक्सन है. They are जूली एंड निक्सन. They are जूली एंड निक्सन. गुड. पॉजिटिव में हो गया. अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं. राज कहते हैं मैं अजहर नहीं हूं. मैं अजहर नहीं हूं. मैं अजहर नहीं हूं. आई एम नॉट अजहर. आई एम नॉट अजहर. तुम राज नहीं हो. तुम राज नहीं हो. यू आर नॉट राज. You are not Raj. हम रवि और निक्सन नहीं हैं. हम रवि और निक्सन नहीं हैं. We are not रवि and निक्सन. We are not रवि and निक्सन. ये नाज नहीं है. ये नाज नहीं है. ये नाज नहीं है. शी इज नॉट नाज. शी इज नॉट नाज. ये जय नहीं है. ये जय नहीं है. ही इज नॉट जय. ही इज नॉट जय. ये जूली और निक्सन नहीं है. ये जूली और निक्सन नहीं है. दे आर नॉट जूली एंड निक्सन. दे आर नॉट जूली एंड निक्सन. अब अजर की तरफ चलते हैं. मैं राज नहीं हूं. मैं राज नहीं हूं.
I am not Raj. I am not Raj. Tum Azhar nahi ho. Tum Azhar nahi ho. You are not Azhar. You are not Azhar. Hum Ravi aur Nixon nahi hai. Hum Ravi aur Nixon nahi hai. We are not Ravi and Nixon. We are not Ravi and Nixon. Wo Rani nahi hai. Wo Rani nahi hai. She is not Rani. She is not Rani. Wo Saif nahi hai. Wo Saif nahi hai. He is not Saif. Wo Saif nahi hai. He is not Saif. Wo Ravi aur Nixon nahi hai. Wo Ravi aur Nixon nahi hai. They are not Ravi and Nixon. अब वापस से हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वीवर क्वेश्चन की तरफ. अब मिस्टर राज क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले खुद के बारे में, जस्ट टू टेस्ट. क्या क्वेश्चन करते हैं? क्या मैं राज हूं? क्या मैं राज हूं? आप आंसर करें, क्या मैं राज हूं? क्या मैं राज हूं? एम आई राज? एम आई राज? आंसर आ सकता है हाँ तुम राज हो. हाँ तुम राज हो. क्या मैं राज हूं? हाँ तुम राज हो. आंसर, क्या मैं राज हूं? एम आई राज? हाँ तुम राज हो. यस यू आर राज. क्या मैं अजर हूं? क्या मैं अजर हूं? एम आई अजर? No, you are not Azhar. You are not Azhar. तुम राज हो. You are Raj. Good. अभी हम, क्या हम रवि और निक्सन है? क्या हम रवि और निक्सन है? Are we Ravi and Nixon? Are we Ravi and Nixon? Answer. No, you are not Ravi and Nixon. You are not Ravi and Nixon. Are we Raj and Azhar? Are we Raj and Azhar? Yes. Yes. We are Raj and Azhar. Yes, we are Raj and Azhar. Correct? Are we Ravi and Nixon? Are we Ravi and Nixon? No, we are not Ravi and Nixon. We are not Ravi and Nixon. अब क्वेश्चन, is she Rani? Yes, she is Rani. Yes, she is Rani. Is she Naz? No, she is not Naz. No, she is not Naz. Is he safe? वापस हम लोग हिंदी में ट्राई करते हैं, थोड़ा हम लोग हिंदी में लेते हैं यहां पे. क्या वो रानी है? क्या वो रानी है? Good. क्या वो रानी है? Yes. बोलो, क्या वो रानी है? Is she Rani? क्या वो नाज है? क्या वो नाज है? क्या वो नाज है? Is she Naz? वो रानी है. She is Rani. वो नाज नहीं है. She is not Naz. She is not Naz. क्या वो सैफ है?
क्या वो सेफ है? Is he safe? Is he safe? क्या वो जय है? क्या वो जय है? Is he जय? Answer. हाँ वो सेफ है. हाँ वो सेफ है. Yes, he is safe. Yes, he is safe. He is not Jay. He is not Jay. क्या वो रवि और लीना है? क्या वो रवि और लीना है? क्या वो रवि और लीना है? Are they रवि और लीना? Are they रवि और लीना? क्या वो जूली और निक्सन है? क्या वो जूली और निक्सन है? Are they जूली और निक्सन? First answer. क्या वो रवि और लीना है? क्या वो रवि और लीना है? Are they रवि और लीना? Yes, they are रवि और लीना. Yes, they are रवि और लीना. क्या वो जूली और निक्सन है? क्या वो जूली और निक्सन है? Are they जूली और निक्सन? हाँ वो जूली और निक्सन है. Yes, they are जूली और निक्सन. तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस की. कुछ चीजें प्रैक्टिस में ऊपर नीचे हुई है, बट आप उनको गौर से सुने और गौर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. कुछ सेंटेंसेस हिंदी के बजाय इंग्लिश में हो गए, इंग्लिश से हिंदी में भी हुए हैं, बट आपको गौर से सुनना है, उसको प्रैक्टिस करनी है. ये आपका टेस्ट भी है, ठीक है? तो इस तरह से पी वर्ब सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं. सो वी हैव लर्न पी वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू से, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक अबाउट नेम्स. अबाउट नेम्स किस तरह से, हाउ वी से, हाउ वी से आवर नेम, ओके, how we ask others name, how we say others name, how we confirm the person, second person's name. This all the chart is there for you, all the sentences are there for you. You sit at home and practice. You sit at home and practice and try to do more and more practice. Without practice, language will not be easy. Everything becomes easy because of practice. Now you practice at home and see you can make sentences or not, you can understand the language or not. Who am I? I am Irfan sir. Who am I? I am Irfan sir. Let's go back and see again one more, just have a look on the chart. So you are getting, aap samajh rahe hain kya chart hai? Be verb simple present tense, or be verb kaun se, which are the be verbs? Is, am, and are. इतने पर्सन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी पर्सन, थ्री पर्सन. आर दे सिंगुलर और प्लूरल? यस दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल मेल फीमेल, जो हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, हमने जेंडर्स को पढ़ा और सारे जेंडर्स के हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है, ओके. फिर ये चार्ट को आप गौर से देखिए, फिर हम वापस से प्रैक्टिस चार्ट की तरफ चलते हैं. जस्ट लुक एट द प्रैक्टिस चार्ट. अब आप अपनी स्क्रीन पे इसको पॉज करें. You pause this on your screen, on your computer, and try to speak, try to say in Hindi and then translate into English. आप इसको हिंदी में पहले बोलें और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर कोशिश करें डायरेक्टली आप इंग्लिश में टॉक कर लेंगे. ये फर्स्ट ग्रुप आप बोलने के बाद इंशाल्लाह हम लोग सेकेंड ग्रुप में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. हाउ द एडजेक्टिव आर यूज विद द सेम चार्ट. Using the same chart, I am on a chart use करके we speak about the adjectives. जैसा हम हमारी size के बारे में या हमारी height के बारे में हम बात करते हैं English में, तो किस तरह से बात करते हैं? Chart same होगा, I am tall, I am short. ये same chart होगा, you are tall, you are short. Okay? He is tall, he is short. She is tall, she is short. They are tall, they are short. Am I tall? Are we tall? Are you tall?
Is he tall? Is she tall? Yeah, are they tall? It just maine aapko brief for the next lecture. You can plan the next lecture. You can prepare for the next lecture. We are going to use adjectives. If you can find something about adjectives at home, try to go through that and try to find some words for the adjectives. That will make it little easier to understand adjectives in next lecture. आपको काफी इजी होगा नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करने का अगर थोड़ा आप एडजेक्टिव्स को पहले से ही समझने की कोशिश करेंगे. बट आप ये ध्यान में रखें कि जो चार्ट है वी वर्ब का और ये जो चार्ट है पर्सन का, इससे काफी इजी हो जाएगा. आपको काफी सारे सेंटेंसेस इजी हो जाएंगे. सारे मैक्सिमम आने वाले सेंटेंसेस चार लेक्चर या पांच लेक्चर जो होंगे वो सिर्फ यही चार्ट पर बेस करेंगे. तो आपको ये चार्ट बनना. So are you ready for next lecture?